भारी जो सीआईए दाबरू की टीम है उसको गुप्त सूचना के आधार पर गुरनावट रेलवे पुल के नज़दीक कल बीती रात 10 बजे हमारे द्वारा रेड की गई। जो उस रेड में एक गाड़ी में क्रेटा गाड़ी में चार युवक नौजवान युवक मिले जो कि जिनके पास से हमें 3 नजायज असले 8 जिंदा रोंद और जो गाड़ियों की जो ताले तोड़ने के लिए 3 चाबी 2 फर्जी नंबर प्लेट एवं जिस गाड़ी में वो सवार थे वो गाड़ी भी चोरी की होनी मालूम हुई। तो उस इनकी धरपकड़ करके इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने नाम जो है वो इकराम उर्फ अकरम पुत्र इलियास निवासी जैमत थाना पुनाना, अजरुद्दीन उर्फ अजरू पुत्र रुकमुद्दीन निवासी जैमत, सदरुद्दीन उर्फ सदर पुत्र अली निवासी रीठड़, आजाद पुत्र हासम निवासी रीठड़ थाना पिनगवा इसके रूप में इनकी पहचान हुई। और इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करने पर इकराम के ऊपर जो है वाहन चोरी लूट फिरौती एटीएम तोड़ने के करीब 23 मुकदमों में ऑलरेडी गिरफ्तारी हो रखी थी जो कि विभिन्न राज्यों से संबंधित थे एवं अब भी ये यूपी के मथुरा हथरस आगरा नोएडा राजस्थान के अलवर जयपुर हरियाणा में फरीदाबाद से वाहन लूट और वाहन चोरी के करीब 20 मुकदमों में वांछित चल रहा है और इसकी इन्वॉल्वमेंट और भी वारदातों में होने की संभावना है। इसके ऊपर यूपी पुलिस के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम है एवं राजस्थान पुलिस के द्वारा इसके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम है एवं जो राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी तरफ से 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है कि जो भी इसको पकड़ेगा क्योंकि उनकी काफ़ी सारे वाहन इन्होंने चोरी किए हुए थे। इसके अलावा सदरुद्दीन उर्फ सदर पुत्र अली जो निवासी रिटर्ड है वो वाहन लूट और एटीएम तोड़ने के करीब करीब 15 मुकदमों में ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। इसके साथ ही वो रेवाड़ी यूपी राजस्थान के करीब 5 वारदातों में अभी तक वांछित अपराधी चल रहा है। अन्य वारदातों के बारे में पता लगाया जा रहा है। अजरुद्दीन उर्फ अजरू जो है पुत्र रुकमुद्दीन निवासी जैमत थाना पुनाना यह वाहन चोरी के करीब 10 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं जिसमें से कुछ में अरेस्ट हो गया कुछ में वांछित चल रहा है। तो अपराधियों के ऊपर कुल मिलाकर 73 के करीब मुकदमे हैं जिनमें कुछ में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ में ये वांछित